हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के 20 ऐसे प्रश्नों का टेस्ट जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भरतपुर नगर किसने बसाया था? बताना है साथियों, भरतपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन सिंह, भोला ब्राह्मण, सूरजमल जाट या राजा धवल? किसके द्वारा की गई थी दोस्तों भरतपुर नगर की स्थापना? तो वो की गई थी सूरजमल जाट के द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर नगर की स्थापना कब की गई थी? बताना है साथियों, जयपुर नगर की स्थापना कब की गई थी? 17 नवंबर 1727 को, 18 नवंबर 1727 को, 19 नवंबर 1727 को या फिर 30 दिसंबर 1727 को? कब की गई थी दोस्तों? वो की गई थी 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, सवाई जय सिंह कौन से थे? दित्ते, सवाई जय सिंह दित्ते। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? बताना है साथियों, गरुड़ासन पर विराजित विष्णु जी की जो मूर्ति है कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है? एलाना सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से, नगरी सभ्यता से या चंद्रावती सभ्यता से? कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो ये हुई है चंद्रावती सभ्यता से प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों चंद्रावती सभ्यता कौन से जिले की है? तो ये है दोस्तों सिरोही जिले की है। ये भी आपको याद रखना है, चंद्रावती सभ्यता कहाँ की है? सिरोही की है। आहट सभ्यता कहाँ की है दोस्तों? ये है उदयपुर जिले की है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताम्र सभ्यता की जननी कौन सी सभ्यता कहलाती है? ताम्र सभ्यता की जननी है कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? गिलुंड सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को, बेराट सभ्यता को या फिर रेड सभ्यता को? तो ताम्र सभ्यता की जननी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ताम्र सभ्यता की जननी कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों सीकर जिले की गणेश्वर सभ्यता को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? सीकर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमंचा शाही सिक्का कौन से जिले में प्रचलित रहा? बताना है तमंचा शाही सिक्का है कौन से जिले में चलता था दोस्तों, कौन से जिले में प्रचलित रहा है? धौलपुर में, करौली में, अजमेर में या उदयपुर में? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछा गया है दोस्तों। तमंचा शाही जो सिक्का है वो धौलपुर में प्रसिद्ध रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूपक दीनार सिक्कों का प्रचलन रहा है, तो रूपक दीनार जो सिक्के हैं इनके बारे में तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ध्यान ही देना है इस पे ऊपर तो, रूपक और दीनार के बारे में। ठीक है, तो रूपक दीनार जो है इनका प्रचलन कहाँ पर रहा है? बूंदी में, जयपुर में, अजमेर में या अलवर में? तो रूपक दीनार का संबंध हो जाएगा दोस्तों अजमेर से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है? इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? बताना है जॉर्ज थॉमस को, मेजर बटन को, कर्नल जेम्स टोड को या इनमें से कोई नहीं? तो कर्नल जेम्स टोड को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। बढ़ते हैं साथ ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बताना है बप्पा रावल का मूल नाम क्या था दोस्तों? गुहिलादित्य, रण सिंह, कालबुज या मालबुज या राणा हम्मीर देव? बप्पा रावल का मूल नाम क्या था पूछा गया है दोस्तों आपसे, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बप्पा रावल का मूल नाम था कालबुज और मालबुज। बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराता था और हारित ऋषि के द्वारा ही बप्पा रावल को बप्पा रावल की जो है उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, यह आपको याद रखना है। वैसे इनका नाम क्या था? कालबोध मालबोध, परंतु बप्पा रावल की इनको उपाधि दी गई थी हारित ऋषि के द्वारा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है? बताना है साथियों महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है? सिंपल सा क्वेश्चन है। लीलन, केसर कालमी, नीला घोड़ा या चेतक? कौन सा हो जाएगा दोस्तों महाराणा प्रताप का? सिंपल सा क्वेश्चन है, चेतक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक। साथ ही साथ में लीलन किसका घोड़ा है दोस्तों? जो तेजाजी महाराज है उनके घोड़े का नाम है लीलन। बढ़ते हैं साथ ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाहजहां ने किन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी? तो मिर्जा राजा किसे कहा जाता है दोस्तों?
जयसिंह द्वितीय को, जयसिंह प्रथम को, मानसिंह प्रथम को या कोकिल देव को? मिर्जा राजा कहा जाता है दोस्तों जयसिंह प्रथम को, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ में जो जयसिंह प्रथम थे इसका आश्रित कवि कौन था दोस्तों? वो था बिहारी, और जिसने कौन सी वो लिखी थी? बिहारी सतसई लिखी थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो शाहजहां ने इनको उपाधि प्रदान की थी मिर्जा राजा की, और किनको की गई थी उपाधि प्रदान? जयसिंह प्रथम को उपाधि प्रदान की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान को रंगों का प्रदेश किसने कहा? बताना है राजस्थान को रंगों का प्रदेश जो है किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, या फिर भगत सिंह ने कहा है? किसके द्वारा रंगों का प्रदेश कहा गया है राजस्थान को? तो ये कहा गया है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस युद्ध को मैराथन का युद्ध कहा जाता है? किस युद्ध को मैराथन का युद्ध कहा जाता है दोस्तों? हल्दीघाटी का युद्ध को, राजमहल का युद्ध को, गिरी सुमेल का युद्ध को, या फिर दिवेर के युद्ध को? कौन से युद्ध को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों दिवेर का जो युद्ध हुआ था, पहला युद्ध तो हुआ था हल्दीघाटी का, ठीक है, और उसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप का, दिवेर का युद्ध। तो दिवेर का जो युद्ध है उसको ही मैराथन का युद्ध कहा जाता है। इसी के साथ साथ में जो ये दिवेर का युद्ध हुआ था ये हुआ किन किन के बीच में था दोस्तों? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था दोस्तों महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जहां पर महाराणा प्रताप विजय हुए थे। कौन से युद्ध में राणा सांगा की एक बाजू कट गई? बताना है साथियों कौन से युद्ध की बात है जिसमें राणा सांगा की एक बाजू कट गई थी? बाड़ी का युद्ध, बयाना का युद्ध, खातौली का युद्ध, या खानवा का युद्ध? किस युद्ध की बात है दोस्तों? तो ये बात है खातौली का जो युद्ध है बूंदी में हुआ था, उस युद्ध की बात है जिसमें राणा सांगा की एक बाजू कट गई थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में ये युद्ध है दोस्तों कब लड़ा गया था? 1517-18 में लड़ा गया था। इसी के साथ साथ में ये युद्ध हुआ किन किन के बीच में था? तो एक तरफ तो थे राणा सांगा, ठीक है, और दूसरी तरफ इनका जो युद्ध है वो हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ में, ठीक है, जहां पर राणा सांगा विजय हुए थे। ये भी आपको याद रखना है, युद्धों के बारे में पूछ लिया जाता है कि विजय किसकी हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजों की सहायता किसने की? बताना है अंग्रेजों की जो सहायता है किसने की थी सर्वप्रथम राजस्थान में? राजा तख्त सिंह ने, राजा मदनपाल ने, राम सिंह द्वितीय ने, या स्वरूप सिंह ने? किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? स्वरूप सिंह के द्वारा राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजों की सहायता की गई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों स्वरूप सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये राजा थे दोस्तों मेवाड़ के राजा थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का राजा कौन था? बताना है बांसवाड़ा का राजा कौन था जब 1857 की क्रांति चल रही थी, उस समय की बात पूछी गई है। राजा तख्त सिंह, लक्ष्मण सिंह, राम सिंह द्वितीय, या स्वरूप सिंह? तो दोस्तों बांसवाड़ा के थे उस समय लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। देख लेना है एक बार, जो पिछली सारी टेस्ट सीरीज है उनको देख लेना, उनमें भी जितने क्वेश्चन है सारे के सारे इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन लिए गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गरीबों के लोक देवता कहलाते हैं, तो गरीबों के लोक देवता किन्हें कहा जाता है दोस्तों? मांगलिया मेहा जी को, या पाबू जी को, या डूंगर जी को, या हड़बू जी को? तो गरीबों का जो लोक देवता है डूंगर जी को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में एक और देख लेते हैं दोस्तों। ऊंटों का देवता किन्हें कहा जाता है? क्या पूछा है दोस्तों ऊंटों का देवता किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाबू जी महाराज को, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना गया, बताना है 1857 जब क्रांति हुई थी तो प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे चुना गया था दोस्तों? कमल व रोटी को, एनफील्ड राइफल्स को, मोर व गाय को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उस समय चुना गया था दोस्तों कमल व रोटी को प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से समय की बात है? 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय की बात है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? बताना है दोस्तों लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? दामोदर लाल व्यास, चुन्नीलाल शर्मा, हरिभाव उपाध्याय,
या फिर गोविंदगिरी, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों सूत्रपात, ये किया गया था गोविंदगिरी के द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार पूछा जाता है लसाड़े का जो पठार है वो कहाँ पर स्थित है, तो उस कंडीशन में आपको बताना है उदयपुर जिले में स्थित है। क्या पूछा जाए तो लसाड़िया का पठार पूछा जाए तो, और लसाड़िया का बांध पूछा जाए कहां पर स्थित है, तो उस समय आपको बताना है अजमेर जिले में स्थित है। तो लसाड़िया जो बांध है अजमेर जिले में है, और लसाड़िया पठार जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन अपना तन मन धन गांधी जी को सौंप कर साधु बन गए, बताना है साथियों कौन थे जिन्होंने अपना तन मन धन गांधी जी को सौंप दिया यानी सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और फिर वो बाद में साधु बन गए। तो किन की बात की जा रही है दोस्तों, मोहनलाल सुखवाड़िया की, या फिर मोतीलाल तिजावत की, जमनालाल बजाज की, या फिर बाबा नरसिंह दास की। तो बाबा नरसिंह दास की यहाँ पर बात की जा रही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति के समय नाबालिग राजा था, 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों उस समय नाबालिग राजा कौन था, भगवंत सिंह, वजीरुद्दौला, जसवंत सिंह या केसरी सिंह। कहाँ की बात की जा रही है दोस्तों, ये बात की जा रही है भरतपुर की बात की जा रही है। तो भरतपुर में कौन सा राजा था 1857 की क्रांति के समय जो कि नाबालिग था, और ये नाबालिग होने के कारण ही यहाँ पर क्या हुआ था 1857 की क्रांति हुई थी। तो किन राजा की बात की जा रही है दोस्तों, ये बात की जा रही है जसवंत सिंह की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास, विद्यार्थियों के पास शेयर करो दोस्तों, ताकि वीडियो का लाभ आपके जैसे और अधिक विद्यार्थियों को भी मिल सके। तो मिलते हैं साथियों ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।